इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना वायरस की ओरिजिन को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिस वुहान लैब से वायरस लीक होने की आशंका पिछले साल से ही जताई जा रही थी, उसे अमेरिका से भी फंड मिल रहा था। इस लैब में बरसों से कोरोना वायरस पर रिसर्च हो रही थी और इसकी जानकारी अमेरिका को भी थी। तो क्या कोरोना वायरस लैब में ही बना और वहीं से लीक हुआ? और अगर ऐसा है तो इस महामारी में चीन के साथ क्या अमेरिका की भी जिम्मेदारी बनती है? क्या कोरोना महामारी में अमेरिका कहां थे? क्या वायरस से लाखों की मौत के लिए डॉक्टर एंथनी फाउची जिम्मेदार है? क्या कोरोना वायरस को लेकर बड़े वैज्ञानिकों ने झूठ बोला? क्या कोरोना वायरस के लैब से लीक होने वाली थ्योरी ही सच है? क्या कोरोना वायरस चमगादड़ नहीं लैब से इंसानों तक पहुंचा? कोविड 19 महामारी की शुरुआत के करीब 17 महीने बाद दुनिया भर में नए कोरोना वायरस को लेकर ये नए सवाल उठे हैं। ये नए सवाल चीन के साथ साथ अमेरिका को उसके टॉप महामारी एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची को मुश्किल में डालने वाले हैं। डॉक्टर एंथनी फाउची, जो दुनिया भर में कोरोना वायरस के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनकी बातों को दुनिया गंभीरता से सुनती है, मगर आज खुद अमेरिका में ही फाउची निशाने पर है। डॉक्टर फाउची, क्या आप अभी भी वुहान की लैब को NIH फंडिंग का समर्थन करते हैं? सेनेटर पॉल, पूरे सम्मान के साथ, आप पूरी तरह से गलत हैं। NIH ने कभी भी वुहान संस्थान में रिसर्च का लाभ लेने के लिए पैसा नहीं दिया है। डॉक्टर एंथनी फाउची पर कोरोना वायरस का सच छुपाने, उसके लैब से लीक होने वाली थ्योरी को दबाने, वायरस के लैब में बनने के आरोप से चीन को बचाने और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की फंडिंग के गंभीर इल्जाम लग रहे हैं। I also know that there was US taxpayer money that was provided by a component of the American governmental healthcare system, something called the NIAID, that was provided to various non-profits, grantees, if you will, that then went to the various biolaboratories inside of China. That much, I think, is uncontested, even by Dr. Fauci. I'll leave to another day the debate between the two as to the direct link between that U.S. taxpayer money and gain-of-function research. But, Barry, you know this, that money is fungible. We had reasonably good visibility into the Wuhan Institute of Virology. There were reports from the State Department relatively early on that suggested that this laboratory was not operating in a way that a high-level bio laboratory ought to operate, that it was not as secure as it needed to be. अब 11 मई को अमेरिकी सीनेट में सीनेटर रैंड पॉल और डॉक्टर एंथनी फाउची के बीच कोरोना वायरस को लेकर हुई ये गर्मा गर्म बहस सुनिए। क्या आप समर्थन करते हैं कि NIH से जो पैसा वुहान इंस्टीट्यूट को जा रहा था? Let me explain to you. मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। SARS-CoV-1 की उत्पत्ति चीन में चमगादड़ों से हुई थी। चीन में कौन संक्रमित हो सकता है ये देखने के लिए, अगर हम बैट वायरस और सीरोलॉजी की जांच नहीं करते तो ये हमारे लिए गैर जिम्मेदार होता। क्या आप यहाँ मौजूद इस समूह के सामने साफ तौर पर बताएंगे कि कोविड 19 किसी प्रयोगशाला में लीक की वजह से नहीं हो सकता था? मेरे पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि चीनी लोगों ने क्या किया होगा, और चीन में जो कुछ हुआ मैं उसकी आगे की किसी भी जांच किए जाने के पक्ष में हूँ। हालांकि मैं फिर से दोहराता हूँ, NIH और NIAID ने साफ तौर पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किए जाने वाले फंक्शन रिसर्च के लाभ को फंड नहीं किया है। डॉक्टर एंथनी फाउची से सख्त सवाल करने वाले रैंड पॉल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के दूसरे नेता डॉक्टर फाउची को लगातार टारगेट करते रहे हैं, मगर अब कोरोना वायरस के चीन की लैब में लीक होने की थ्योरी को बल मिलने से एंथनी फाउची वाकई कटघरे में खड़े नजर आते हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी दोहराया है कि कोरोना वायरस के वुहान की लैब से लीक होने की थ्योरी बेहद मजबूत है। There are many more questions than there are answers, at least answers that are available in the unclassified setting today. And I thought Dr. Fauci's testimony was incredibly
disappointing because he could have done more than just answer Senator Paul's question. He could have shared with the American public what he knew, how he knew it, precisely what he did, and precisely where that American taxpayer money went in the China in the Chinese biological program. तो क्या वाकई कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ? क्या इस इमारत से निकले वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर डाला? और कोरोना वायरस के कहर में अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची की कितनी भूमिका है? क्या अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक मिलकर कोरोना वायरस के लैब से लीक होने वाली थ्योरी को दबाने में जुटे हुए हैं? ये सवाल तब उठे जब 3 मई को अमेरिकी ऑनलाइन प्रकाशन मीडियम पर 2 लेख प्रकाशित हुए। ये दोनों आर्टिकल दुनिया भर में सम्मानित अमेरिका और ब्रिटेन के 2 अलग अलग विज्ञान पत्रकारों ने लिखे थे। पहला लेख ब्रिटेन के सीनियर साइंस जर्नलिस्ट और लेखक निकोलस वुड ने लिखा और मीडियम ऑनलाइन पब्लिकेशन पर दूसरा लेख लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में साइंस और हेल्थ रिपोर्टर रहे डोनाल्ड जी मैकलीन जूनियर ने लिखा था। साइंस के एक्सपर्ट इन सीनियर पत्रकारों ने दुनिया को बताया कि कोरोना वायरस के लैब में बनाए जाने और वहां से लीक होने वाली थ्योरी की गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है। निकोलस वेल्ट और डोनाल्ड मैकलीन जूनियर ने बताया कि किस तरह दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस फैलने के साथ ही इसके लैब से लीक होने की थ्योरी को दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। इसे दबाने में जुटे वैज्ञानिकों में अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट शामिल थे। ये वैज्ञानिक मशहूर साइंस मैगजीन द लैंसेट और नेचर मेडिसिन में लेख और ब्लॉग लिखकर लैब लीक थ्योरी को खारिज करने में जुटे थे। इन सभी वैज्ञानिकों का मकसद खुद को उनका समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों और चीन की सरकार को आरोपों से बचाना था। Yes, I think Dr. Fauci only said that it was U.S. taxpayer dollars did not go to that gain of function research. No, it's kind of a semantic game. I believe he was cutting the line pretty thinly there. Yes, ma'am. Would you say he was lying? I'll leave to your listeners to judge that. I'll say this. If I were answering that question, I wouldn't have been comfortable with such a narrow response in a way to answer really what the meat of the question from Senator Paul was. जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहना शुरू कर दिया तो उन पर नस्लवादी होने साजिश की झूठी कहानियों को बढ़ावा देने के इल्जाम लगे। मगर आज 1 साल बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप और उनकी टीम ने कोरोना वायरस के बारे में जो आशंकाएं जाहिर की थी वो काफी हद तक सही थी। निकोलस वेड और डोनाल्ड मैकलीन जूनियर ने अपने आर्टिकल्स में बताया कि किस तरह कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की थ्योरी को दबाया गया और इसमें अमेरिका के ही वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका थी। अमेरिका के वैज्ञानिक पीटर डेस्जेक ने लैब लीक वाली थ्योरी को खारिज करने वाली एक चिट्ठी द लैंसेट में प्रकाशित की। यह चिट्ठी 19 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुई जिसमें दुनिया के कई जाने माने वायरस विशेषज्ञों के दस्तखत थे। 17 मार्च 2020 को नेचर मेडिसिन पत्रिका में वैज्ञानिकों के एक और ग्रुप ने वायरस के लैब से लीक होने की थ्योरी खारिज करने वाला एक लेख लिखा। हम लोग जो वायरस पर रिसर्च करते हैं उन्हें पता होता है कि इंस्टीट्यूट में कैसी रिसर्च चल रही है, हमारे संस्थान में वायरस को किस तरह रखा जाता है। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि वायरस हमारे संस्थान से नहीं निकला, हमारे यहाँ रखरखाव की बेहद सख्त व्यवस्था है, रिसर्च करने वालों के लिए एक पक्का कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हमें यकीन है कि वायरस हमारी लैब से बिल्कुल नहीं निकला है। आरोप लग रहे हैं कि वायरस आपके यहाँ की लैब से लीक हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? क्योंकि वायरस पर अनुसंधान करने वाला इंस्टीट्यूट वुहान में ही है, इसलिए लोग दोनों के बीच संबंध जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अटकल लगाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दुनिया को जानबूझकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर टॉम काउटन ने कहा है कि यह वायरस वुहान की लैब से आया। वॉशिंगटन पोस्ट और कुछ दूसरे मीडिया ने भी लिखा है कि वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ, पर उनके पास ना तो इसका कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी है। ये आरोप सिर्फ और सिर्फ अटकलों पर आधारित है। They have no evidence or knowledge. This is entirely based on speculation. आपको इन आर्टिकल्स के पीछे की पॉलिटिक्स समझनी होगी। पिछले 15 सालों में कोरोना वायरस से जुड़ी नई जानकारियों से पता ये चला है कि पीटर डेस्जेक न्यूयॉर्क में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है इको हेल्थ साइंस। ये संगठन अमेरिका के वुहान इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वायरस पर रिसर्च करता है। इस रिसर्च की फंडिंग अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक शाखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज कर रहा था, जिसके निदेशक एंथनी फाउची हैं। डॉक्टर फाउची के निर्देशन में अमेरिका की 11 लैब्स में नए वायरस बनाने के प्रयोग किए जा रहे थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी नेचुरल वायरस से लैब
लैब में वायरस बनाने का काम हो रहा था और इसके लिए वुहान के इंस्टीट्यूट को सीधे अमेरिकी सरकार से फंडिंग हो रही थी। चीन की वुहान लैब को अमेरिका की फंडिंग 24 अप्रैल 2020 को रोक दी गई थी। 17 अप्रैल को ट्रंप ने इस फंडिंग की जांच का आदेश दिया था और 24 अप्रैल 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान की लैब की फंडिंग रोक दी थी। कोरोना वायरस के लैब से लीक होने वाली थ्योरी के सही होने का इशारा करने वाला एक और सबूत भी जांच से सामने आया है। चीन की वुहान इंस्टीट्यूट की रिसर्चर डॉक्टर शी जेंग ली ने 2015 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका के वैज्ञानिक के साथ मिलकर लैब में एक नया कोरोना वायरस बनाया है। ये कोरोना वायरस उन्होंने मौजूदा वायरस के पहले महामारी फैलाने वाले सार्स और मर्स वायरस की मदद से तैयार किया था। शी झेंगली ने कहा था कि लैब में बनाया उनका वायरस इंसानों को बड़ी आसानी से संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर शी झेंगली ने अपने रिसर्च में आशंका जताई थी कि लैब में वायरस बनाने के कई खतरे हैं, इसके लैब से लीक होने का डर है, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस के वुहान की लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज किया था। कोरोना वायरस को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें लोगों की सेहत और जिंदगियां बचाने का मकसद शामिल है। हमें पता है कि ये वायरस कोई सीमा नहीं मानता। मौजूदा बीमारियों और वायरस पर रिसर्च भी सीमाएं से परे हैं। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और सरकारों को भी खुलापन अपनाने और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हम आपस में मिलकर ऐसी नई महामारियों से बचाव और उनकी रोकथाम कर सकें। हमने शुरुआत से ही सहयोग का रवैया अपनाया है। आपसी सहयोग से हम सभी के भले के लिए काम कर सकते हैं और इनसे सभी मौजूदा वायरस को समझ सकते हैं। डॉक्टर शी झेंगली चीन ही नहीं पूरी दुनिया में बैट वमन के नाम से मशहूर हैं। वो अक्सर चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस इकट्ठा करने के लिए चीन के युन्नान सूबे जाती रहती हैं। इन वायरस पर वुहान की लैब में रिसर्च की जाती रही है और वुहान में ही कोरोना वायरस का पहला केस भी पाया गया था। हालांकि चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस वुहान की वेट मार्केट से निकला, लेकिन यह चमगादड़ों से इंसान तक किस जानवर से होते हुए पहुंचा, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। नए कोरोना वायरस से इंसान तक पहुंचने की इस मिसिंग लिंक ने लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को बढ़ावा ही दिया है। बैट यानी चमगादड़ से वायरस इंसानों तक सीधे नहीं पहुंचता, इसके लिए इंटरमीडिएटरी यानी माध्यम बनने वाले जानवर की जरूरत होती है। 2003 में फैले सार्स कोरोना वायरस के माध्यम का पता 4 महीनों में चल गया था। वहीं 2015 में फैले मर्स कोरोना वायरस के माध्यम का पता 9 महीनों में चल गया था, लेकिन 16-17 महीनों बाद भी ये पता नहीं चल सका है कि नया कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों तक किस जानवर के जरिए पहुंचा। इस सवाल का जवाब चीन ही दे सकता है, लेकिन वो नए कोरोना वायरस के ओरिजिन की ईमानदारी से जांच करने को तैयार नहीं। पहले तो उसने महामारी को ही दबाया छुपाया और अब तक उसने इसकी सही तरीके से जांच नहीं होने दी है। जब इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक वुहान गए तो भी उन्हें मामले की लीपापोती करके वापस भेज दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि वुहान के दुनिया भर में चर्चित वेट मार्केट में जानवरों के वायरस इंसानों तक पहुंचने का पूरा माहौल होता है, लेकिन युन्नान के चमगादड़ों में मिलने वाला नया कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट में किस जानवर के जरिए इंसानों में घुसा, इसका पता नहीं लग सका है। इससे पहले कि कोरोना वायरस इस तरह इंसानों तक पहुंचे, सार्स कोरोना वायरस चमगादड़ से पहले सिविट नाम के बिल्ली जैसे जंगली जानवर में पहुंचा और फिर इंसानों तक। चीन में सिविट को खाया जाता है। इसी तरह मर्स कोरोना वायरस चमगादड़ों से पहले ऊंट में और फिर ऊंट से इंसानों को संक्रमित किया। दिक्कत यह है कि चीन की सरकार इस बारे में खुलकर जांच के लिए तैयार नहीं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो टीम इस साल वुहान भेजी थी उसमें अमेरिका के वो पीटर डैशजिक भी थे, जिनकी इको हेल्थ साइंस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर नए वायरस लैब में तैयार करने की रिसर्च कर रही थी, जिनकी संस्था को अमेरिका की उस सरकारी एजेंसी से पैसे मिल रहे थे जिसके अध्यक्ष एंथनी फाउची थे। इसलिए एंथनी फाउची हो या चीन के वैज्ञानिक, दोनों ही कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज करते रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस बात की जांच बिल्कुल होनी चाहिए, ये वायरस कहां से आया, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि हमने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंडिंग नहीं दी थी। ये हाल कुछ वैसा ही है कि चोरी पकड़े जाने के डर से चोरी होने से इनकार किया जाए। आज जो मोटी बातें अमेरिका और चीन को कटघरे में खड़ा करती हैं वो इस तरह है। नंबर 1, अमेरिका और चीन दोनों ही लैब में नेचुरल वायरस के नए वेरिएंट बनाने पर रिसर्च कर रहे थे। नंबर 2, अमेरिका की सरकारी एजेंसी लैब में वायरस बनाने के रिसर्च के लिए चीन को पैसे भी दे रही थी।
नंबर तीन, डॉक्टर एंथनी फाउची को इस फंडिंग के बारे में पता था, वो इसके खतरों से भी वाकिफ थे। नंबर चार, वुहान में नए कोरोना वायरस के केस वेट मार्केट से दूर भी मिले, यानी वो लोगों को बिना किसी इंटरमीडिएटरी के संक्रमित कर रहे थे। नंबर पांच, चीन की सरकार ही नहीं दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की बात को दबाने की कोशिश की। नए फैक्ट और फिगर ने इस महामारी के ओरिजिन को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं, जो निश्चित रूप से चीन को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अमेरिका की कई वायरस विशेषज्ञ भी सवालों के घेरे में हैं। कोरोना वायरस कुदरती है या वो लैब में बना, गलती से लीक हो गया या जानबूझकर छोड़ा गया, इन सवालों के जवाब जानने जरूरी है। दुनिया भर में 35 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले वायरस के ओरिजिन को लेकर भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।